दोस्तों क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे पुराने ड्रिंकिंग मटेरियल्स में पानी चाय के बाद तीसरे नंबर पर बियर ही है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि बियर की बोतल हमेशा हरे और ब्राउन रंग की ही क्यों होती है? बताया जाता है कि इंसान एंशियंट मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन के समय से ही बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन इजिप्ट में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में होती थी, पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के चलते खराब हो जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्राउन रंग की परत चढ़ी बॉटल सिलेक्ट की गई। ये तरकीब काम कर गई, लेकिन वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्राउन रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। ऐसे में बियर मैन्युफैक्चरर्स को एक ऐसा रंग चुनना पड़ा जिस पर सूरज की किरणों का बुरा असर ना पड़े। तब ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा। तब से लेकर आज तक इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। क्या आप लोग आज से पहले इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो उन्हें स्टारडम मिला है उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं। हाँ, भले ही शाहरुख खान बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनकी माँ के अलावा किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि वो कभी एक्टर बनेंगे। और जब भी शाहरुख इस बात से निराश होते तो उनकी माँ उन्हें कहती कि बेटा, तू बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा लगता है और तू एक दिन मुंबई जाकर एक्टर जरूर बनेगा। माँ की ये बात सच भी हुई। शाहरुख खान मुंबई आए, एक्टर बने और बॉलीवुड पे छा गए। लेकिन शाहरुख की बदकिस्मती देखिए, ये देखने के लिए उनकी माँ जिंदा नहीं रही। शाहरुख उनकी माँ की इच्छा उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस दिन कसम खाई कि मैं एक दिन इतना बड़ा स्टार या सितारा बनूंगा कि मेरी माँ स्वर्ग से मुझे देखेगी। गाइस, हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा कामयाब हो, पर क्या हर बेटा शाहरुख खान की तरह सोचता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।